हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े बच्चों सबके बहुत काम गए। तो ये जो ब्लॉग है ये भारत का MiG-21 विमान है जो रियल में है, मतलब एक्चुअल जो अब काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे T-51 संग्रहालय में रखा गया है। तो ये बाहर जैसे ही हम गए थे तो ये देखा, बहुत मतलब वैसे जो, और उसके बाद ये देखिए ये बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर है कि कहाँ पर क्या है, और ये कुछ फ़ोटो हैं। तो ये आप देखिए पुराने टाइम की जो घोड़ा गाड़ी वैसे चलती थी, रथ चलते थे वो सारा, और ये APJ अब्दुल कलाम के जो सामान है पूरा जो वो यूज करते थे, वो सारी उनकी बुक्स और सारी चीज़ें जो उनकी हैं। आप ये ना पूरा ध्यान से देखिए, ये बहुत काम का, ये 3D पैनल है। तो इसमें क्या होता है, आपको तीनों साइड से मतलब इसकी पिक्चर्स दिखाई देगी और पूरा बोलते हुए, और एक साइड इसमें क्या किया था पिक्चर्स, मतलब पूरी हिस्ट्री हमारी बताई गई थी कि कैसे लोग काम किए थे, कैसे हमने आज़ादी ली थी। तो इसका नेचुरल इतना मतलब ऐसे लगता जैसे रियल में हो ये सारी चीज़ें, अंग्रेज़ों से जैसे फाइटिंग की थी। तो इतना अच्छे से इन लोगों को बनाया गया, इतनी अच्छी इसकी मतलब आपको ऐसे एकदम से देखोगे तो ये लगेगा बिल्कुल रियल है, बिल्कुल साक्षात आप देख रहे हो, तो आप पूरे हिस्ट्री में पहुंच जाओगे। तो ये एक बार ना आप इधर ज़रूर जाइएगा, ये दिल्ली में ही है, और बहुत मतलब ऐसा है कि आप बच्चों को लेके जाइए, आप बड़े बच्चे सब लोग जाइए, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी हिस्ट्री की। और ये देखिए जब भारत के लिए आंदोलन के लिए सब लोग तैयार हुए थे तो उसका भी प्रतिपादन, फिर भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे और प्रधानमंत्री, तो उनका भी फ़ोटो मतलब बनाई गई कि कैसे ध्वजारोहण, ये गांधी का दांडी मार्च, मतलब सारी चीज़ें इतनी रियल लगती हैं कि आपने मतलब बुक्स तो पढ़ी है लेकिन आप जब सामने से जाके देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और मतलब पूरा ऐसे करेगा कि माइंड में आपको कैसा हो जाएगा, मीटिंग कैसी होती थी, कौन क्या था, मतलब सबके नाम भी उधर हैं, सब कुछ हिस्ट्री भी उसमें लिखी गई है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे जैसे बुक से ना बोर हो जाते तो ऐसे जाके लेके जाइए, बहुत उनको इंटरेस्टिंग चीज़ लगेंगी और भूलेंगे भी नहीं। तो आप ज़रूर उनको ट्राई देखिए, पूरा मतलब ऐसा था कि आप जाओ तो आप मतलब भूल जाओगे आपको। और ये देखिए आर्ट का, आर्ट गैलरी जो थी पूरा उनका जो ड्राइंग का था ना बहुत अच्छा था, मतलब एक रूम था बहुत बड़ा हॉल था, उसमें सारी हर तरीके की पिक्चर्स लगी हुई थी, उनके नीचे नाम भी था इंटर का, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब आप ना यहाँ जाके बिल्कुल खो जाओगे कि कितना टाइम हो गया, आप सब भूल जाओगे, मगन हो जाओगे, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, इतनी सुंदर सुंदर की मतलब उनको देखने का मन ही नहीं बोध हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब मैं ये गई बच्चों के साथ ही गई थी, बच्चों को लेके, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि हम कहीं ऐसी जगह गए जो बच्चे भी और बड़े भी इंजॉय कर सकें, और उन जो हिस्ट्री की चीज़ें बच्चों के माइंड में भी अच्छे से आ जाएंगी, चल रहा ये क्या होता है, ऐसे तो बच्चे भूल जाते हैं, बट ऐसे जब उनने देखा ना सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा लगा। और सबकी डिटेल भी थी वहाँ पर, हर चीज़ की डिटेल दी गई थी, तो जो भी बुक्स या जो भी सामान था उसका हर चीज़ का मतलब लिखा हुआ था जिससे कि, और देखिए ये मीटिंग का बताया गया था, संविधान का, वो सारी चीज़ें कि कैसे बैठे थे, क्या हुआ था, और जब ये साइन करते थे तो ये साइन का है, तो कितने बड़े बड़े पेज हैं, मैं तो भाई देख के वो हो गई थी, कितने बड़े बड़े पेज, लेकिन उसमें सब चीज़ें थी, पूरा लिखा हुआ डिटेल से था। और एक साइड देखिए ये जो है, आप इसको कंप्यूटर से आप टच करके आप पूरा रीड भी कर सकते हो, मतलब ऐसा था कि आपको हिस्ट्री कोई भी चीज़ पता करनी तो उससे टच करके। और ये सामान देखिए, बीड़ा वगैरह जो, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे हम उनको साक्षात देख रहे हो, पुराने टाइम कैसे खाना बनाया करते थे, वो सारे बर्तन भी इसमें दिखाए थे कि पहले कौन से बर्तन यूज किए जाते थे, और पीछे ड्राइंग भी थी, जो उनका किचन वाला गैलरी एरिया था मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे किचन में ना रहना, कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से मुझे ये वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्रॉकरी और ये सारी चीज़ें देख के ना मेरा तो उधर से आने का मन भी नहीं कर रहा था, तो बहुत बढ़िया था। और आप उसको जाके ना ज़रूर देखिए। और ये डाइनिंग एरिया, तो पहले कैसे डाइनिंग टेबल का, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी, हर तरीके के आपको इसमें बर्तन मिल जाएंगे, पहले कौन से बर्तन होते थे, फिर उसके बाद कौन से हुए और नए नए, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुक कैसे खाना बनाते थे उस टाइम पे और क्या वो था, मतलब पूरा तरीका इसमें पूरी शैली का बताया गया है। तो ये भी बहुत बड़े में फैला हुआ है, कुकिंग एरिया बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा था, मुझे तो बहुत बड़ा लगा, और हर तरीके के बर्तन भी देखने को मिल रहे, और कुछ तो बर्तन ऐसे लग रहे थे भाई मैं भी जाके ऐसे ख़रीद लूँ।
और ये सामने एक था, इधर भी हम लोग गए थे, इसमें भी बहुत सारा मतलब बताया गया था। और ये क्वीन मैरी जॉर्ज फिफ्थ क्वीन का किंग का भी मतलब पूरा बनाया गया था कैसे थे। और ये पीछे बीच बीच में ये देखिए कितनी अच्छी से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसमें हर तरीके की मतलब जो चेस से लेके पुराने में कैसे खेलते थे वो सारी चीज़ें, वो ये 3D पैनल जो मैंने बताया था, ये तीनों साइड से आप देखिए अलग अलग डायरेक्शन से वो दिखाई देगा आपको। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो इसमें सब, मतलब ये लग रहे थे हम रियल में उनको देख रहे हों, जैसे हम उनकी रियल बात सुन रहे हों, बहुत बढ़िया था ये। और हर जगह की वो भी दिखाई गई थी कौन सी जगह की क्या सी चीज़ फेमस है और इसको क्या कहते हैं, मतलब एक एक पॉट हर चीज़ का और एक एक डिटेल दी गई थी। मैंने तो आपको जैसे किसी कुछ वो समझने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए कब क्या था किसको क्या था। और ये हाथी दांत से जो चीज़ें बनी हुई थी, ये चेस बना हुआ था, तो ये बहुत से मतलब इतनी बारीक से चीज़ें समझाई गई थी और बताई गई थी ना कि आप कभी भूल ही नहीं सकते वहाँ जाके। देखिए ये चाबियों का तो बहुत मतलब पुराना, आप पुरानी हिस्ट्री से लेके अभी तक का नया उसमें सारा इंक्लूड था, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था कि आप एक बार अगर देख लोगे ना तो हिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों को तो मैं बार बार मस्ट बोल रही हूँ कि आप ज़रूर लेके जाइए, उनको बहुत मतलब देखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, तो आप इसको ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, और ये बुद्ध स्टैचू, मतलब मैं कितना बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा है उसमें, मैं तो बहुत कम लेके आई हूँ। ये देखिए फ़ोटो फ्रेम किस तरीके की, ये क्वीन किंग वगैरह की जो थे उस तरीके से इन्हें बनाया हुआ था पुराना, ये सारी चीज़ें वो जो थी ना वो पुरानी हुई थी, और लेकिन हम उससे देख के और समझ सकते हैं। और बहुत अच्छे से डिटेल भी दी गई हुई थी, ये सिर्फ और आर्टिफिशियल कुछ वैसा सामान था, बहुत ही मतलब एंटिक, मतलब ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा था इसको तो भाई घर लेके जाओ, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। और देखिए यहाँ पे ये साइड में दी गई है थी, तो उसमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी गई है जिसकी भी जो थी कि कैमरा कौन क्या था, उनके बारे में डिटेल, उनकी जो चीज़ें थी वो भी रखी हुई थी कि कैसे थे, उनके कपड़े भी थे और कैसे पहनते थे, वो सारी डिटेल हुई। और ये देखिए ये जो है इसमें आपको हर तरीके के रुपए सिक्के जो मनी चलती थी ना पुराने से लेके नए तक के सारे थे, और स्टाम्प के बारे में भी पूरा डिटेल थी। तो ये जो रुपए वगैरह स्टाम्प वगैरह पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस में जो स्टाम्प लगते थे या फिर वो सारे ही उसमें दिए गए थे, तो आराम से उसको देख के समझ में आ सकता है। और ये कार्ड वगैरह की कौन से कार्ड कैसे बनते थे, मतलब पुराने से लेके नया तक सारा था उसमें। और ये देखिए सिक्के वगैरह भी, चांदी के सिक्कों का भी दिखाया था, गोल्ड वो वाले भी थे जो पैसे चलते थे उनकी भी डिटेल दी गई थी, मतलब सारी चीज़ों की डिटेल थी। और देखिए तो आप एक बार ना इस धर जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिनको हिस्ट्री वाली चीज़ें भी नहीं पसंद ना उनको भी बहुत मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हिस्ट्री देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए सिर्फ, तो आप अभी देखते जाइए और बाकी तो आप जब जाओगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी भी देखिए तो ये यूनिफॉर्म, तो मतलब जिनके बारे में डिटेल थी उनकी यूनिफॉर्म भी रखी हुई थी, उनके जो यूज की हुई सामान मतलब जो थे उनकी यूनिफॉर्म, उनकी कैप, उनका पेन या जो पेन से यूज करते थे पेन, जो हथियार, तो वो सारी चीज़ें उनने एक एक रखी हुई थी कि जिससे कि आपको उनके बारे में और अच्छे से जानकारी मिल सके। उनका देखिए पेन, पासपोर्ट, सारी चश्मा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके बारे में भी मतलब रखा हुआ था, सबके बारे में डिटेल भी थी और साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी उनकी रखी हुई थी। देखिए ये कपड़े तो सबके बारे में, देखिए उनकी जो साड़ी, ये सब चीज़ें श्रीमती। तो आप देखिए कि आपको बच्चों को हिस्ट्री बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें बच्चे देख के ही सीख जाएंगे, तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो और ये देखिए, ये तो जो चक्र जो मतलब पुरस्कार मिलते हैं, पद्मश्री चक्र हुआ और जो भी मतलब जितने तरीके के वो होते हैं ना वो सारे इसमें दिए गए थे, आर्मी वालों को, नेवी वालों को, मतलब जो भी जिस तरीके के होते हैं या फिर नॉर्मल जो जो होते हैं सबके बारे सारे आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने नहीं देखे थे सारे कि कौन सा कैसा होता है, कौन सा पुरस्कार, बस सुना था, तो मैंने वहाँ पे देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत मतलब बहुत
बहुत ही ज़्यादा वो लगा कि हाँ ये ऐसे होते हैं। तो एक एक चक्करों के बारे में आप पैसे एक एक देखोगे, वहाँ जाके आपको एक साथ सब तरीके के कि मतलब इंडिया में जितने भी पुरस्कार होते हैं सारे मिल जाएंगे। नहीं बैठना है वो ना नॉर्मल सोफा लग रहे थे इसलिए बैठ गई थी, वो लग नहीं रहे थे। ये जैसे ही आप उसके पास जाओगे आपको पेंटिंग के पास वैसे ही लाइट खुलेगी, उसके बारे में आपको नीचे डिटेल भी मिलेगी किसकी पिक्चर्स है कौन है ये, उनकी डिटेल पूरी आपको मिल जाएगी। और इतना देखने के लिए कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये कहा जाए तो ये अच्छी जगह है आपके लिए जाने के लिए। चीन का भी आइटम, मतलब कौन से कहाँ से था वो सारे, कौन कौन से राजा थे, मतलब पूरा एक साइड दीवारों में ये बनी हुई थी, उनकी डिटेल उनके जस्ट नीचे ही मतलब लिखी हुई थी। तो आप ऐसा जैसे गैलरी में जाओगे एक जगह जैसे गए उधर ही लाइट ओपन हो जाएगी, तो उनके बारे में आप देख सकते हो डिटेल। और जैसे ही आप वहाँ से हटोगे सेंसर हटेगा लाइट बंद हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि लाइट भी बर्बाद नहीं हो रही है और आपको सही तरीके से यूज भी हो रहा है। और जब ये ओपन होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए सब राजाओं के बारे में सबके बारे में उसमें डिटेल दी गई थी। एक सबसे अच्छी चीज़ जो अशोक स्तंभ था उसमें देखिए चार पिक्चर जो बनी हुई थी ना, नीचे चक्र भी थे और चार पिक्चर्स थी जिसमें एक था लायन था, एक हॉर्स था, एक बुल था, एक एलिफेंट था। तो ये चारों साइड बने हुए थे एक एक और सबके बीच में एक एक चक्र बना हुआ था। और चक्र भी बहुत, मतलब चक्र में तो वैसे भी मालूम है 24 तीलियाँ होती हैं जो हर मतलब घंटे को दर्शाती हैं। तो ये बहुत अच्छा था और उसके आगे ये घोड़ा और वैसे बनाया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप जा देखिए और ये देखिए आपने पिक्चर्स देखी हुई होंगी इनके बारे में और इनकी सारी डिटेल आपको आराम से वहाँ जाके मिल जाएगी और कभी आप भूलोगे नहीं, इसकी गारंटी है। और देखिए ये जो पिक्चर्स जिसने जैसे ही एंट्री की थी ना तुरंत ही ये थी, बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए कैसे इसमें ड्राइंग भी बनी हुई थी एंटर करते ही, और ये फ़ोटो मैंने क्लिक की, और ये न्यूज़पेपर, हर तरीके के न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे पुराने वाले और नए वाले भी। और देखिए यहाँ से नौसेना का पूरा बताया हुआ डिटेल थी इसमें। तो ये जो जगह है ना बहुत बढ़िया है, आपको अपने देश के बारे में जानने के लिए मिलेगा, हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी, लोगों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और देखिए ये तो अब इसके बाद जैसे हम बाहर आए थे तो हमने एक और देखा था, तो वो था आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हुआ था, बहुत बड़े रूप में बनाया हुआ है और पूरे तरीके से इसको कांच से ढका गया है जिससे कि इसमें डस्ट ना जाए और दूसरे कोई टच ना करे, क्योंकि इसको इतनी बारीक से बनाया है, बिल्कुल डिटो वैसे ही बनाया गया है जैसे क्राफ्ट कैरियर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और हर चीज़ वैसे ही दर्शाई गई है कि कैसे इसमें मतलब एयरक्राफ्ट कहाँ रुकते हैं, कैसे फ्लाइट वो करते हैं और कैसे इसको यूज किया जाता है, मतलब क्या एंटीना कहाँ पे होते हैं, मतलब हर चीज़ एक बारीक से भी बारीक डिटेल इसमें दी गई है। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब इसको देख के मन भर ही नहीं रहा था, बहुत अच्छे उसमें मतलब तरीके से बनाया हुआ था। तो आप जैसे हम, मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखा, मैं तो अभी नहीं गई हूँ ऐसी जगह, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे हम हर जगह नहीं जा सकते तो आप ऐसे जाइए और ये सब चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी और बच्चों को भी इसके बारे में मालूम पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताइए, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब।